प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई मंत्री परिषद में उत्तर प्रदेश और बिहार को अधिकतम प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र से भी 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, जिस पर विपक्षी गठबंधन की भी नजर बनी हुई है, जिसने इस बार लोकसभा चुनाव में पहले से अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई मंत्री परिषद में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से अधिकतम प्रतिनिधित्व मिला है। नई मंत्री परिषद में उत्तर प्रदेश और बिहार को अधिकतम प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, जबकि महाराष्ट्र से भी 6 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस पर विपक्षी गठबंधन की भी नज़र बनी हुई है। इस बार लोकसभा चुनाव में पहले से विपक्ष ने बेहतर प्रदर्शन किया है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल जिस तरह से बयान दे रहे हैं और अपने कैबिनेट मंत्री से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं करने की बातें उन्होंने की, उसके बाद से ऐसा लगा कि मानो बिहार और झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र को भी तवज्जो दी गई है, लेकिन उनके पुराने साथी वहाँ पे नाराज़ बताए जा रहे हैं। वहीं झारखंड में इस वर्ष चुनाव है और विधानसभा चुनाव होने के कारण झारखंड को केंद्र बिंदु में रखा जा सकता है। फिलहाल 2 ही सीटें झारखंड के लिए मंत्रिमंडल में दी गई है। कैबिनेट मंत्री के तौर पे कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को स्थान दिया गया है, तो वहीं राज्य मंत्री के रूप में रांची के सांसद संजय सेठ को बनाया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड पर पूरी तरह से फोकस होकर चला जा रहा है, लेकिन झारखंड में आदिवासी मतदाताओं की बहुलता है, ऐसी स्थिति में आदिवासी मतदाताओं को झारखंड से स्थान नहीं मिल सका है। हालांकि अभी चुनाव 5 महीने बाद होने हैं, ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई और उपाय निकालेगी ऐसा बीजेपी के समर्थक मानते हैं। वहीं जिस तरह से लगातार ये प्रयास हो रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देकर झारखंड महाराष्ट्र के लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनको बढ़त मिल सके। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि झारखंड और महाराष्ट्र को निश्चित रूप से यहाँ पर तवज्जो दी गई है और तवज्जो के कारण ही यह परिणाम है कि महाराष्ट्र से 6 और झारखंड से 2 सांसद मंत्री परिषद के सदस्य बने हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड में आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति होगी, इस पर विचार किया जाएगा। हो सकता है किसी आदिवासी मंत्री को कैबिनेट में स्थान दिया जाए, ताकि झारखंड में आदिवासी मतदाताओं की नाराज़गी बीजेपी दूर कर सके, लेकिन फिलहाल संभावनाएं कम दिख रही है। हालांकि वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग से कुछ बीजेपी का प्लान है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह प्रयास होगा कि बीजेपी आदिवासी मतदाताओं को अपने खेमे में लेकर झारखंड विधानसभा के चुनाव में अधिक से अधिक सीटें हासिल कर सके, ताकि आने वाले दिनों में झारखंड में बीजेपी की सरकार बन सके। वहीं महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण होगा, ये भविष्य की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मंत्रिमंडल में तवज्जो देकर झारखंड और महाराष्ट्र को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होना है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।